सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। एज वी नो डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर हमें किसी नंबर का फाइंड आउट करना होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं, और जब हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है तो हम कहते हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, और अगर ज़ीरो नहीं मिलता है एज अ रिमाइंडर ही सेज दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो लेट अस चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ टू, सेकेंड नंबर। सो एनी नंबर हैविंग इट्स यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 or 8, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सपोज द नंबर इज 4, 3, 7, 1, 6, सो द यूनिट प्लेस इज 6। ओके, ये यूनिट प्लेस 6 है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ 3, ओके 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। सपोज यही नंबर है 4, 3, 7, 1, 6, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे 4 + 3 + 7 + 1 + 6, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 21, हम 21 लिखेंगे। तो अब ये जो नंबर है 21 वो 3 के टेबल में आता है, सो यस, सो दिस नंबर 4, 3, 7, 1, 6 इज डिविजिबल बाय 3। अब 4 के लिए कौन सा नंबर डिविजिबल है, सो यही नंबर लेते हैं 4, 3, 7, 1, 6, सो टेंथ प्लेस एंड यूनिट प्लेस फॉर्म्स 40, मतलब टेंथ प्लेस और यूनिट प्लेस अगर 4 के टेबल में आए, सपोज 16 कम्स इन 4 टेबल बिकॉज इसका 1 और टेंथ प्लेस है 16, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर 20 होता तो भी डिविजिबल होता, और अगर कोई और नंबर होता सपोज 1, 2, 3, 4, सो 34, सो इस 34 डिविजिबल बाय 4, नो बिकॉज 34 4 के टेबल में आता ही नहीं, टेंथ एंड यूनिट प्लेस इज नॉट सेम। नाउ कम टू 5, 5 का बहुत ही सिंपल है, ये आप जानते होंगे। सपोज नंबर है 7, 6, 4, 2, 0, तो एनी नंबर ऑन इट्स यूनिट प्लेस हैव 0 और 5, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, किसी के नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। नाउ कम टू 6, अब 6 का ही बहुत सिंपल है। सपोज 4, 3, 1, 7, 6, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से भी, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। ओके, अगर ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है और 2 से, तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है और 2 से डिविजिबल है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। ओके, मतलब जब दोनों प्रोडक्ट की सहमति होगी तो ही इसकी सहमति होगी। ओके, नाउ लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 7। 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमेशा हमें लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज द नंबर इज 2, 5, 2, 5, 2, 5, इसका लास्ट डिजिट सेपरेट करेंगे और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज 10, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट हियर, हम इसे यहाँ से माइनस कर देंगे, विच इज़ 4, 2, 5, 2, 4, 2, फिर हम सेपरेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 4 - 4 दैट इज 0, 2, 5, 2। ओके, फिर हम सेपरेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। ओके, तो 2, 5, 2, फिर हम सेपरेट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और 25 - 4 दैट इज 121। अब 7 के टेबल में क्या 21 आता है, मीन्स इज 21 / 7, सो यस 7 के टेबल में 21 आता है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 7। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी, और अगर हमें 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो वेरी सिंपल, लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो ही वो 10 से डिविजिबल है,
अगर वो 5, 2, 6, 9 या कुछ भी हो तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है, यूनिट बेस जो होगा। सपोज ये नंबर 7, 6, 4, 2, 0, तो इसमें 0 लास्ट में है यूनिट प्लेस पे, तो ये 10 से भी डिविजिबल है। ओके, तो आज के सेशन में हमने ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उसे सॉल्व करेगा और चैट में, दैट इज कमेंट चैट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो अभी के लिए एक नंबर है, दैट इज 7, 5, 6, 2, 5। अब हमको इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो, बिकॉज यहाँ पर 5 है, सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? चलिए इन्हें ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। सो एज इसका आंसर आ रहा है 25। ओके, सो 25 3 से डिविजिबल नहीं है, सो दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? इसका यूनिट प्लेस है 2, 5। 10th और यूनिट प्लेस अगर 4 के टेबल में आते हैं तो वो 4 से डिविजिबल है। सो ये नंबर अगेन 4 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, 5 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 5 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, देन 6 से नहीं, क्योंकि जब ये नंबर 2 और 3 से नहीं डिविजिबल है सो वो 6 से भी नहीं डिविजिबल है, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं। अच्छा, क्या ये 7 से डिविजिबल है? लेट्स चेक। 7, 5, 6, 2, 5, लेट अस सबट्रैक्ट दिस इनटू 2, 5, 2 ज़ा 10, लेट अस सबट्रैक्ट हियर, देन 62 - 10 इज 5, 5, 7, देन अगेन सेपरेट दिस नंबर, मल्टीप्लाई विद 2, आंसर विल बी 4, सो 5 - 4 दैट इज 1, 5, 7। ओके, अगेन सबट्रैक्ट टिल द नंबर, मतलब जब तक आपको 2 डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता तब तक आप उसको सेपरेट करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ओके, 5 - 2 दैट इज 3, 7। तो क्या 7 के टेबल में 73 आता है? नहीं, सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो। अच्छा, अब क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? मेरा माना तो नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, 0 नहीं। ओके, तो ये प्रोसेस है हमें कैसे चेक कर सकते हैं ये डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब मैं आपको और क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए मैं ये बोर्ड रफ करके क्वेश्चंस लिखती हूँ। तो गाइस, इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और मैं ज़रूर सॉल्व करेगा, और चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नंबर है 3, 2, 4, 5, 1। इसका डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है किससे डिविजिबल है। सेकेंड इज 9, 4, 3, 6, 5। थर्ड इज 2, 8, 9, 1, 10। फोर 4, 2, 4, 2, 4, 3। देन 5, 4, 0, 9, 5, 6, 0। ओके, 5 क्वेश्चंस दिए और आपके और आपको इन सब का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। ओके, आज का सेशन हम यहीं स्टार्ट करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी और हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट इज़ अलजेब्रिक एडिशंस इन वैदिक मैथ्स मेथड। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय माता दी।